हमारे मस्तिष्क में जगह होनी चाहिए, खाली स्थान होना चाहिए। दिमाग में जगह होना मतलब क्या? जगह का मतलब सिर्फ यहाँ से वहाँ नहीं, जगह में, स्थान में कोई केंद्र नहीं होना चाहिए। यह जगह बिना किसी केंद्र की होनी चाहिए, और जिसमें केंद्र नहीं होता, जिस जगह का, जिस स्थान का केंद्र नहीं है, उसकी सीमा भी नहीं होती, बाउंड्री भी नहीं होती। जहाँ केंद्र नहीं, वहाँ सीमा भी नहीं। अगर आपके पास केंद्र मौजूद है और आप केंद्र से चाहे कितना भी दूर जाए, फिर भी उसकी कहीं ना कहीं सीमा होगी ही, है ना? तो क्या हमारे पास ऐसा मस्तिष्क है जिसमें बिना किसी केंद्र के, बिना किसी सीमाओं के जगह मौजूद है? जिस दिमाग में किसी चीज़ का लगाव नहीं रहता, जो मस्तिष्क व्यक्तित्व से, मैं से मुक्त होता है, जो मस्तिष्क अनुभवों से नहीं चलता, जो अनुभव से, विचारों के दायरे से, आशा और उम्मीदों से परे होता है, वह मस्तिष्क जो पूरी तरह आज़ाद होता है। अगर आपका मस्तिष्क इन चीज़ों से भरा पड़ा है, तो इस बोझ के साथ आप ज़्यादा दूर प्रवास नहीं कर पाओगे। जब हम जगह कहते हैं, तो वह खाली होती है ना? आप लोग इतने तूफान में, इतनी बरसात में यहाँ आए हैं, लेकिन क्या पक्का आप सबको इसमें रुचि है? अगर आपको नीडर जीवन जीना है, बिना किसी चिंता के, बिना किसी समस्याओं के जीना है, जिसमें दया हो, प्रेम हो, तो ऐसे जीवन जीने के लिए आपके पास बुद्धि होना आवश्यक है, प्रज्ञा होना ज़रूरी है। बिना बुद्धि के आप दया क्या है इसे कभी नहीं समझ पाते, और यह बुद्धि विचार नहीं होती। अगर आप किसी विचार से या किसी धारणा से जुड़े हैं, तो आपके पास सीमित बुद्धि है, और बुद्धि को कभी भी सीमित नहीं किया जा सकता। विचार सीमित है। खुद के दुख को पूरी तरह खत्म किए बिना हमारे भीतर दया का जन्म नहीं हो सकता। तो जब मस्तिष्क में जगह होती है, जिस जगह का ना केंद्र होता है, ना कोई सीमा होती है, तो ऐसी खाली जगह भयंकर ऊर्जा का स्रोत होता है। उस खाली जगह में भयानक ऊर्जा भरी होती है। अभी वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ उनका निष्कर्ष है। उन्होंने अपने भीतर इसे खुद पाया नहीं है। तो हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से शून्य होना चाहिए। हम सब शून्य नहीं हैं, हम सब कुछ ना कुछ बने बैठे हैं, जिस कारण दिमाग का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। बुद्धि की पूरी अपार क्षमता के हम परे ही रह जाते हैं। हमारे भीतर हमेशा एक देखने वाला होता है, जो विचारों को देख सकता है, उन्हें दबा सकता है, चुप कर सकता है, लेकिन वह देखने वाला अपने आप में एक विचार ही होता है। और जब तक देखने वाला
विचारों से अलग व्यक्तित्व है, तब तक आप कहीं बढ़ नहीं सकते। आप बस गोल गोल घूम रहे हैं।